हिंदुस्तान आने का कोई प्लान व्लान नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं, मुझे हिंदुस्तान नहीं आना है। हमारा पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छा है। हाँ यार, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छा है गरीबी में। तो पाकिस्तान में सब खैरियत, खाना पीना, आटा दाल चावल, नॉन मिर्च तेल। हाँ, सब खैरियत, सारी चीजें यहाँ इंडिया से सस्ते में मिलती है, आटा चावल दाल सब कुछ। अब यार सस्ते में तो पहुंचेगी ना, जो इंडिया से बेकार माल बच जाता है वो हम पाकिस्तान पहुंचा देते, वो सस्ते में ही मिलेगा ना। तो यार मैं तो चाहता हूँ कि तू एक पाकिस्तानी बहू इंडिया ले आऊँ। तो लेके चले जाओ। फिर वहाँ मैं आऊंगा तो यार मुझे मुझे नल वाल उखाड़ने पड़ेंगे, फिर फायदा नहीं है ना कोई। वैसे ही तुम लोगों को पीने को पानी नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे भाई घुमाते घुमाते कहीं मेरी गर्दन ना काट दे। हमारे भाई ऐसा नहीं करते, हमारे मुल्क में सारे लोग अच्छे हैं। जस्ट तुम्हारे मुल्क में सारे लोग अच्छे हैं। तुम यार इंडिया आओ कभी घूमने, जैसे सीमा हैदर आई है। मैं क्यों इंडिया आओ, सीमा हैदर तो बेवकूफ है। हमारा मुल्क इंडिया से ज्यादा अच्छा है, इंडिया से अच्छी जीडीपी है, सब कुछ है। तो फिर मैं इंडिया पूछा, मुझे तो नहीं जाना। तुम्हें पता भी है इस बार हमारा पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो गेम में। पता है क्या नाम है उसका, एक बार ये बताना जो जीता है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा। नाम तुम्हें पता नहीं है, तुम आधी इन्फॉर्मेशन देखते हो कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आ गया, उसका उसका नाम भी नहीं पता यार तुम्हें। गोल्ड मेडल तो आया है ना, तो पता है ना। उसका नाम है अरशद नदीम, क्योंकि तुम अनपढ़ गवार हो, तुम आधी इन्फॉर्मेशन रखते हो। और चाहिए तुम्हें कश्मीर, कश्मीर हमारा है तो हमें ही चाहिए होगा ना। तुम्हारा अब्बू छोड़ के गया था तुम्हारी। यार ये एक हिंदुस्तान की जगह है कश्मीर, पाकिस्तान की कब से होने लगी? हाँ मेरे अप्पू ही छोड़ के गए थे और तब से ही हमारा है। वुमेन हमारे मुल्क में तो तुम्हारे मुल्क से सस्ता पेट्रोल भी अवेलेबल है। कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ। ये तुमने पाकिस्तान भास्कर में न्यूज पढ़ ली लगती है। ये पाकिस्तान में पेट्रोल इंडिया से सस्ता कभी रहा ही नहीं है। एक सेकंड मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, क्योंकि तुम रहे तो अनपढ़ ही, पढ़े लिखे होते तो तुम्हें आइडिया होता कि सस्ता कैसे है। इन अदर वर्ड्स, पेट्रोल इज सब्सटेंशियली मोर एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया। पाकिस्तान में महंगा है यार, पढ़ाई लिखाई करो तुम यार, आईएएस वाईएएस बनो, क्या बकचोदियों में पढ़ रहे हो तुम, बड़े इंटेलिजेंट हो। चलो मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था, बट महंगा तो क्या हुआ, पाकिस्तान तो मेरा है ना, और मुझे अपने चीजों से बहुत प्यार है। अरे यार भीख में दी गई चीजों से तुम्हें प्यार है। अच्छा बता, तुम्हें पाकिस्तान की क्या चीजें अच्छी लगती है? मुझे यार तुम्हारी आंखें। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब यार आंखें अच्छी लग सकती हैं, हरकतें तो तुम्हारी अच्छी है नहीं। कितने भाई बहन हो तू? मेरे ना दो बहनें और पांच भाई हैं। अरे वाह, तरक्की पर है, तरक्की पर। इस हिसाब से तो कुछ दिन बाद तुम इंडिया की पॉपुलेशन से भी आगे निकल जाओगे है ना। क्या पता हमारा अपना एम्पायर होगा। अरे एम्पायर में खाने के लिए नाच भी तो चाहिए, भूखे मारोगे एम्पायर को, अनाज भी आ जाएगी। वैसे एक बात तो कहनी नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी कह रही हूँ, तुम्हारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, उसका खौफ तो पाकिस्तान में भी है। तुम्हें पता तुम्हारे देश में या मुल्क में टमाटर की प्राइस क्या है पता तुम्हें? होंगी कुछ 100-200 रुपए किलो। एग्जैक्ट प्राइस कहाँ से पता होगा, टमाटर खाते कहाँ हो तुम? क्योंकि मुझे टमाटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती। अब जो चीज महंगी है वो पसंद ही नहीं आती है, दिल खुश करने के लिए कह दिया अगर वैसे कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है। ये तुम्हारा इंटरनेट इतना रुक क्यों रहा है, वीडियो बार बार रुक रही है तुम्हारी। अरे यहाँ ना टावर नहीं है तो यहाँ ना थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है कभी। मैं अभी तुम 3G पे अटके पड़े हो गए यार। तो तुम्हारे वहाँ पाकिस्तान वाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है क्या? अरे है, देखो मुझे कितना कुछ पता है। आओ तो खैर तुम हो ही पढ़े लिखे होशियार हो तुम तो। अरे बेगम गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही। तुम बेगम हो बैंगन हो। पाकिस्तान की लड़कियों की आंखें बहुत अच्छी होती है, ये बात तो है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम क्या बार बार पाकिस्तानियों को आटा ले लो कहते रहते हो? तुम क्या हमें भिखारी समझते हो? अरे हम तुम्हें भिखारी समझते नहीं, तुम भिखारी हो। जैसे एशिया का इतना बड़ा देश चाइना हमारा समर्थन करता है, तुम्हारा क्यों नहीं करता?
अरे यार तुमने उससे भीख जो मांग रखी है, हमने क्या भीख मांग रखा है क्या चाइना से? तुम भीख मांगते रहते हो, तुम्हारे भीख की चर्चा पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। तुम्हारा कटोरा इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो उसमें पैसा आ ही नहीं रहा है। बेशक कभी कभी हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, बट हमारा दिल बहुत बड़ा है। अरे यार ज्यादा बड़ा दिल है तुम्हारा, इसीलिए तो तुम आतंकवादी भेज देते हो यहाँ। उनको मत भेजो, उनको वहीं रखो। जब इंडियन आर्मी से मुलाकात हो जाती है जब वो उल्टे बगते हैं, फिर तो दिल को इतना बड़ा भी मत रखो, छोटा रख लो। अनाज भी आ ही जाएगी जब कश्मीर को अपना बना लेंगे। अरे 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 यार, पर तुम सपने इतने ज्यादा क्यों देखते हो? दूसरे देशों से भीख मांगते फिर रहे हो, तुम्हारे सारे इमिग्रेंट्स दूसरे देशों में जा जाके रह रहे हैं, जिससे तुम्हारे देश की इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो सके। बात है तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, पता है हमारे देश के कितने अच्छे अच्छे सिंगर है, तुम्हारे इंडिया में भी उन्हें जाना जाता है। अरे हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ यार, एक वो है ना चाहत फतेह अली खान, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है, बहुत नाम कर रखा है उन्होंने यार भारत में। यार तुम्हारे वहाँ बचपन में जैसे ही पैदा होते हैं हाथ में गन पकड़ा देते हैं क्या, जाओ इंडिया की तरफ जाओ है? वो तो डिफेंस के लिए बच्चों को सिखाया जाता है, पाकिस्तान में कुछ हो तो पाकिस्तान को बचा सके। तो यार डिफेंस में मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो तुम बच्चों को, तुम तो मैनिपुलेट करते हो। वो जरूरी है ना, वैसे भी कश्मीर के लोग भी ना पाकिस्तान के साथ मिलके रहना चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तान के साथ। हाँ यार, क्योंकि वहाँ बमबारी आसानी से हो जाती है ना।